साहब के साथ हम सबका यहाँ पर स्वागत किया, अभिनंदन किया। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री का ऊपरी शिमला का जो पहला कार्यक्रम हमारा रोडू विधानसभा क्षेत्र का है, मैं समस्त ऊपरी शिमला की प्रभु चिंतन नाथन की तरफ से अपने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री का रोडू विधानसभा क्षेत्र में इनका तहे दिल से इनका स्वागत करता हूँ। रोडू विधानसभा क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। कांग्रेस पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ रहा, हमारे दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की कर्म भूमि रही। यहाँ पर जैसे भाई मोहनलाल ब्राक्टा जी कह रहे थे, मुझे याद है 1984 के चुनाव में भी जो सर्वाधिक मतों से किसी विधानसभा हलके से हमारी जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी की जीत हुई थी, उस वक्त ठाकुर मेहर सिंह जी की हमारे रोडू विधानसभा क्षेत्र से जीत हुई थी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत पकड़ है और मैं समझता हूँ आज आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, एक धरातल से जुड़ा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि परिस्थितियां बड़ी विकट थी, जैसे भाई मोहनलाल जी ने कहा लगभग कोई 86,000 करोड़ का ऋण प्रदेश में है, एक आर्थिक बदहाली के दौर से प्रदेश गुजर रहा है। कहने को 5 वर्ष की सरकार डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन केंद्र से एक फूटी कौड़ी की मदद भी प्रदेश सरकार को प्राप्त नहीं हुई। इसके विपरीत विशेषकर अगर जिला शिमला की बात करेंगे, 5 वर्षों में जब भाजपा सरकार सत्तासीन थी, आंखें मूंद कर ये बैठे रहे, सिर्फ चुनाव के समय में ये घोषणाएं की, जिसका उल्लेख उनसे पूर्व भी करा गया है। आज हमारी सरकार ने दृढ़ निश्चय किया है, जहां हम एक मैं समझता हूँ चरणबद्ध तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर साहब का सपना है कि कुछ ही वर्षों के अंदर हमारा हिमाचल प्रदेश जो आज कर्ज के चक्कर में फंस चुका है, आने वाले कुछ प्रदेश में सबसे संपन्न, सबसे समृद्ध, खुशहाल प्रदेश होगा, इस सोच के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं अपने अगर विभाग की बात करूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग पर अपनी मैं समझता हूँ हर तरह की नजर रखते हैं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, रोजगार युक्त शिक्षा मिले, इस सोच के साथ सरकार आगे कार्य कर रही है। अभी हाल में आपने देखा होगा इन्होंने चुनाव से पहले 920 संस्थान ना अतीतो ना भविष्य, इतने भारी संख्या में आपके संस्थान, और मात्र सिर्फ एक ही इनका उद्देश्य था कि चुनाव में इनको लाभ मिल सके। लेकिन जो हमारी देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, यहाँ का मतदाता अपनी परिपक्वता के लिए एक विशेष स्थान रखता है, उन्होंने अपना जनादेश दिया और भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया है। हमारे प्रदेश आलाकमान ने, हमारे राष्ट्र के आलाकमान ने, हमारे सभी सीएलपी के सदस्यों ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को प्रदेश की कमान समा दी है, और वो भी मैं समझता हूँ हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्था में परिवर्तन हो। आज जब मैं शिक्षा की बात कर रहा था, हमें 2012 में जब मैं समझता हूँ सत्ता प्राप्त हुई, लगभग कोई 12,000 से अधिक आपके पद हायर एजुकेशन में, एलिमेंट्री एजुकेशन में खाली पड़े हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, समस्त कैबिनेट के सदस्यों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने एक ही दफा लगभग 6,000 पदों की स्वीकृति शिक्षा विभाग में दी है। ये मैं समझता हूँ बहुत ही अभूतपूर्व एक निर्णय हुआ है। आने वाले कुछ समय में, क्योंकि चाहे रोडू विधानसभा क्षेत्र की बात है, चाहे वो चंबा जिला की बात है, चाहे जुबल कोटखाई की बात है, सिरमौर की बात है, विशेषकर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में मैं समझता हूँ बहुत स्टाफ का अभाव है, इसी सोच के साथ इस स्वीकृति दिलवाई गई है। आने वाले समय में हमारी चरणबद्ध तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रारंभ होगा और जो हमारे खाली स्कूल है इनको निश्चित रूप से मैं समझता हूँ जो आपके रिक्त पड़े पद इनको भरा जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि मैं समझता हूँ नए तरीके के साथ, एक आधुनिक करंट के साथ मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन लाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर मोहनलाल ब्राक्टा जी के पास हॉर्टिकल्चर भी है। इसमें इस दफा इस वित्तीय वर्ष में 2023-24 में जो 8 CS स्टोर स्वीकृत हुए हैं, 6 आपके जिला शिमला में बनने हैं,
इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। वर्षों से, दशकों से जो किसान और बागवानों की मांग थी कि हमारा उत्पाद वजन के आधार पे बिके, वजन के आधार पे माल को बाजार में मूल्य मिले, उस सोच के साथ हमारी सरकार ने निर्णय लिया। लगभग कोई 24 किलो की हमने एक बंदिश रखी है, ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। यहाँ पर सीमा कॉलेज की बात का इसमें कोई शक नहीं, सीमा कॉलेज हमारे प्रदेश के सबसे बेहतरीन कॉलेज में से एक है। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा भी आग्रह रहेगा कि यहाँ पर आपके और यहाँ पर आपके हॉस्टल का विशेषकर गर्ल्स के लिए बजटरी प्रोविजन आपके आदेश होंगे तो इसके लिए बजट का प्रोविजन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में लगभग कोई 2200-2300 के आसपास हमारी बच्चों की संख्या, अच्छा मैं समझता हूँ महाविद्यालय हमारा और ऊपरी शिमला का हमारा बहुत ही मैं समझता हूँ एक सफल विद्यालय है और ये हम करेंगे। मैं एक परिपूर्ण समस्त जनता जनार्दन का, समस्त कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इतनी भारी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री का यहाँ पर अभिनंदन किया, स्वागत किया, मैं समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से जहाँ माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ जो उपचुनाव के बाद एक तरह से परीक्षा हमारी सरकार के समक्ष थी, क्योंकि शिमला जिला शिमला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पर भी अपने माननीय मुख्यमंत्री को जो ऐतिहासिक जीत हमारी कॉरपोरेशन के इलेक्शन में हुई वो भी मैं समझता हूँ एक बहुत बहुत बधाई की बात है। 1986 में आपका प्रथम बार कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, कोई 7-8 कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन इतनी भारी तादाद में कभी भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 24 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है। एक तरह से जनता जनार्दन ने जो हमारी नीतियां है उस पे मोहर लगाई है। इसके लिए भी मैं समस्त जिला शिमला ही नहीं, क्योंकि शिमला पूरे हिमाचल प्रदेश का एक मिनी हिमाचल है, समस्त जनता जनार्दन का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पुनः, क्योंकि मौसम भी खराब है, हमारा मुख्य कार्यक्रम अभी आगे भी होना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हो और अपने माननीय मुख्यमंत्री का रोडो आगमन पर इनका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। धन्यवाद आदरणीय रोहित ठाकुर जी। और मैं बड़े अदब के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, क्या आए और सर संबोधित करें यहाँ उपस्थित कर सकते। सम्मानित कर्नल, सम्मानित कर्नल धनीराम शांडिल जी, सम्मानित हिमाचल सरकार में मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी, सम्मानित हिमाचल सरकार में सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा जी, सम्मानित हमारे कांगड़ा जयसिंह पूर्व से विधायक यादविंदर गोमा जी, सम्मानित दविंदर श्याम जी चेयरमैन एथनिक कोऑपरेटिव बैंक, सम्मानित कुलतार सिंह कुल्ला जी प्रधान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रोड़ू, सम्मानित श्री उर्मिला नागू जी महिला कांग्रेस प्रधान, सम्मानित श्रीमती गीता नेगी जी प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, श्री राज कुमार नेसोनी जी प्रदेश महासचिव कांग्रेस कमेटी, किरण कुमार जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मैं इधर ही आगे बोल रहा हूँ। सम्मानित मंच पर विराजमान आप सभी हमारे साथीगण और रोड़ू की प्रबुद्ध जनता, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मेरा 5 महीने में पहला शिमला जिला का अगर कहीं का दौरा बना तो वो रोड़ू का बना। सम्मानित मंत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी कह रहे थे कि आपने जुब्बल कोटखाई का कार्यक्रम करना है, मैंने उनसे कहा बिल्कुल करना है, लेकिन रोहित ठाकुर जी के भाग्य के अलावा किसी और रोड़ू के लोगों को मंजूर था, इसलिए मैं रोड़ू में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आया हूँ। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद भी रोड़ू कई बार आया हूँ। मैं जानता हूँ जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में पढ़ता था उस समय रोड़ू के काफी लोग मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में पढ़ते थे। मैं कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी बना,
और कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, तो सबसे ज्यादा जो रोडू के लोग थे उन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी और अध्यक्ष बनने लाने के लिए बड़ी समर्थन दिया। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जब मुझसे अनुरोध किया कि आपने हमारा पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैठक में आना है क्योंकि रोडू का भी कार्यक्रम तय नहीं है, तो मैंने ब्लाक्टा जी और उनके कहने से आज यहाँ इस बैठक में आने के लिए कहा कि पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में जाऊंगा, उसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम है वहां जाऊंगा। मैं सिर्फ कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। 40 साल से हम लोग जिस राजनीतिक धारे पर चल रहे थे, हमने प्रयास किया है कि इस बार हिमाचल की जनता को अपने पांव पर कैसे खड़ा होना है, उस दृष्टिकोण से हमने अपना बजट पेश किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं पहली बार जब मुख्यमंत्री बना और मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मेरे पास अधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि आपके पास अगले महीने का खर्चा चलाने के लिए और सरकारी देने के लिए भी पैसा नहीं है। मैंने कहा कांग्रेस की सरकार आ गई है, अगर कांग्रेस की सरकार ना आती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती तो वो कैसे चलाते। उन्होंने कहा कि वो कर्जा ले रहे थे, कर्जे पर कर्जा ले रहे थे, तो मेरे पास कोई चारा नहीं था और हमने कहा कि आप अभी कर्जा लीजिए और इस प्रकार हमने अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की शुरुआत की। हम कर्ज पर कर्ज लेते जा रहे थे, आम परिवार से निकलकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा, मेरे मन में पीड़ा थी, मेरे मन में दर्द था कि हम अपने प्रदेश को कर्जे के बोझ के नीचे कब तक दबा कर रख सकते हैं। परिस्थितियां विपरीत है लेकिन हमने प्रयास किया और इस प्रयास में हमको सफलता मिली और हम धीरे धीरे अपने पांव के ऊपर खड़े होने की ओर अग्रसर बढ़ते गए। मैंने पहला बजट प्रस्तुत किया, ये पहला बजट गरीब से संबंधित योजनाओं को लेकर आया है। आर्थिक मजबूरी, आर्थिक बदहाली के बाद भी हमने प्रयास किया है कि इस प्रदेश की जनता को अपने पांव पर खड़ा करना है। अभी इस सभागार में जितने भी लोग बैठे हैं, आप जानते हैं आपके प्रत्येक परिवार में अगर 5 सदस्य आए तो एक परिवार पर 92,840 अगर हम यही सोचते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बन गए, रोहित ठाकुर जी भी शिक्षा मंत्री बन गए, धनीराम शांडिल जी भी शिक्षा सोशल वेलफेयर मंत्री बन गए, बिना की जिंदगी हम जिए तो हम जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 4 साल में पटरी पर आए और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर और समृद्ध राज्य बने। इसी दृष्टि